इस समय पंजाब की सियासत में उठापटक का दौर है। जहां इस बार पंजाब में भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं गई, वहीं इस बार पंजाब से दो खालिस्तान समर्थक चुनाव जीतकर संसद पहुंचते हैं। पंजाब और देश की सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल में आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है। जहां चंडीगढ़ में कुछ अकाली नेता बगावत सुर अपना लिए हैं, इन सब घटनाक्रम के बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता और भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि शिरोमणि अकाली दल एकजुट है और सुखबीर सिंह बादल के साथ सिवाय पांच के सभी 112 नेता साथ खड़े हैं। हरसिमरत कौर ने एक निजी समाचार एजेंसी से कहा कि बीजेपी के कुछ पिट्ठू शिरोमणि अकाली दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो वैसा ही करना चाहते हैं जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया था, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे। अकाली दल के सभी नेता एकजुट हैं। 117 नेताओं में से केवल पांच नेता सुखबीर बादल के खिलाफ हैं, जबकि 112 नेता पार्टी और सुखबीर बादल के साथ खड़े हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के विरुद्ध बगावत तेज हो गई है। पार्टी के असंतुष्ट धड़े ने जलंधर में अलग बैठक कर बगावत का बिगुल बजा दिया है। बीते दिन जलंधर में बागी नेताओं की घंटों बैठक चली। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने लोकसभा चुनाव में हार का कारण सुखबीर सिंह को बताया और कहा कि इसके साथ अन्य नेताओं ने भी सुखबीर के खिलाफ नारे लगाए। वहीं पंजाब से अकाली दल की इकलौती सांसद हरसिमरत कौर बादल ने संसद में कहा कि एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हमें संसद में थोड़ा ज्यादा समय मिले। उन्होंने कहा कि एक क्षेत्रीय पार्टी की इकलौती सांसद होने के नाते मैं पंजाब और पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि उम्मीद करती हूँ कि आप छोटी पार्टियों का ख्याल रखें, इन पर निगरानी रखें और मौका व आरक्षण दें। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा अतिरिक्त समय देकर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को जिंदा रखें। पंजाब में इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा और अकाली दल 25 साल बाद अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। भाजपा को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि अकाली दल के खाते में एक सीट आई। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस को 8, भाजपा और अकाली दल को 2-2 सीट और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी।